ये बार टाइप बना हुआ है, इधर बैठने की जगह है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बिरयानी ली है सिर्फ टेस्ट करने के लिए। और क्या चीज़ है यहाँ पे जिसके साथ पंगे लिए जाएं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मैं हूँ अब्दुल मालिक फरीद और अभी मैं जा रहा हूँ जद्दा। दुबई से यहाँ से निकल के रेडी हो गया हूँ, एकदम अपने बैग पैक कर लिए हैं दबा के। पीछे डिक्की में रख देना, आगे रख दूँ? इसमें पूरा दुबई का माल, सऊदी का माल डाला हुआ है। ये सामने सामने ही खड़ा है A380। ये यहाँ पर बिजनेस क्लास टर्मिनल पे आए हैं हम लोग। डॉक्टर साहब हमारे साथ जद्दा आ रहे हैं। ग्रेट हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम डॉक्टर सैयद साहब, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह खैर। आखिर में एयरपोर्ट पे भी छोड़ने के लिए आए हैं, अपने कीमती टाइम ऐसे निकाल के। अभी बोर्डिंग हम लोगों ने करवा ली है और जा रहे हैं आगे बिजनेस लॉन्च की तरफ, सिक्योरिटी चेक। मैं सलाम, यहीं पर ही आके उतरे थे मुझे लगता है, सेम यही जगह थी पानी वाली। दुबई ड्यूटी फ्री। हमारा गेट इस तरफ है जहाँ से मैंने जाना है बाद में, और लाउंज इस तरफ। यहाँ पर ये कंप्यूटर्स वगैरह रखे हुए हैं, अगर किसी ने इस्तेमाल करना हो, किसी को प्रिंटर चाहिए हो, कंप्यूटर चाहिए हो, यहाँ पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर बैठ के आप शू पॉलिश करवा सकते हैं, ऊपर बिठाएंगे आपको फ्री में। यहाँ पर लाउंज में बैठते ही ये खूबसूरत सा रोज रखा हुआ है। मुझे तकरीबन 5 मिनट नहीं लगे सिक्योरिटी चेक वगैरह और ये सारा कुछ करने में। सिक्योरिटी चेक ऑटोमेटिक हुआ था, मुझे किसी भी पासपोर्ट ऑफिसर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब ऑनलाइन था, मतलब वहाँ पर जहाँ पर मैं रुका हुआ था। तस्वीर खींची उन्होंने, बस सीधा सीधा वहाँ से आगे यहाँ पर बिजनेस लॉन्च तक। अभी यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, जहर की अज़ान हो गई है, जहर और असर मैंने जमा करनी है वो पढ़ के, फिर तब तक हमारा फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा, तो फिर हम निकल जाएँगे इंशाल्लाह जद्दा के लिए। वालेकुम सलाम। यहाँ पर ये पूरा हेल्दी फूड है, इसमें से क्या लेना है आपने आप ले सकते हैं। कच्ची मछली, प्रॉन्स हैं यहाँ पर, यहाँ पर रेडी सैलड है, यहाँ पर सैंडविचेस हैं, ये आई थिंक मैं ले लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, लेकिन इसमें सैल्मन कच्चा है। मैंने सैंडविच चेंज कर ली थी, दूसरी सैंडविच ले ली थी, वो कच्चा सैल्मन था उसमें, मतलब कच्ची मछली थी, तो ये पक्का अंडे वाला लिया है मैंने। मसाला एग, ऑफकोर्स ये मसाला एग जो है थोड़ा सा हम देसी लोगों के लायक का होता है। काफ़ी बड़ा लाउंज है यहाँ पर, बिजनेस क्लास लाउंज, फर्स्ट क्लास लाउंज और दूसरा था, उधर और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन ये बिज़नेस क्लास लाउंज बहुत बड़ा है। दूसरा एरिया भी आपने देखा, अभी इस एरिया में मैं आया हूँ, पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और
यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बिरयानी ली है सिर्फ टेस्ट करने के लिए। आपको पता है मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें देख रहा हूँ। यहाँ पर हुम्मस ली है, बाकी ये पम्पकिन चिकन सैलेड, और यहाँ पर वो फतूश है, आई थिंक फतूश की तरह इसमें चिकन डाला हुआ है, नई फिश डाली है, और यहाँ पर है ऑरेंज जूस, वाटर और फ्रूट सैलेड। अच्छी है बिरयानी, ऑथेंटिक बनी हुई है बिरयानी, काफ़ी मज़े की थी। और यहाँ पर हर टेबल पे ओरिजिनल गुलाब का फूल रखा हुआ है, माशाल्लाह अच्छा है। ये यहाँ पर हमारे जहाज़ वहाज तैयार हो रहे हैं, अलावा यहाँ पर आइसक्रीम, और ये एरिया है एशियन फूड का। अभी यहाँ पे हम लोग दूसरी शिफ्ट लगाने वाले हैं खाने की। एक पीस में ले लेता हूँ, ये भी ट्राई करेंगे, थोड़ा से वेजिटेबल्स लेते हैं। ये लो, अभी फुल मैं एक ज़बरदस्त करके ले रहा हूँ। केक का थोड़े से अखरोट, ये काफ़ी हो गए। टिशू बहुत ज़रूरी है, हमेशा भूलना नहीं। पहली बार मैं भूल गया था, परेशान हो रहा था टिशू के लिए। अभी ये पानी दे देता हूँ साथ में, अब ये उठाना है तो इसलिए कैमरा बंद। थक गया पूरा एयरपोर्ट घूम घूम के, इसीलिए चलो ये भी अच्छा है कि खाना हज़म हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करनी है, आप लोगों को दिखानी है, तो इसलिए। ये देख लें भाई साहब, बिरयानी, साथ में इस बार ये फ़िश ली है चेक करने के लिए, थोड़े से साथ में वेजिटेबल्स, यहाँ पर केक लिया, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है ये केक, पानी साथ में लिया है, साथ में टिशू लिए हैं। तो अब खाबा टाइम, बिरयानी थोड़ी देर पहले खाई थी, काफ़ी मज़ेदार थी। अभी ये फ़िश ट्राई करता हूँ, और ये सब्ज़ी चावलों के साथ, ये ले जी सब्ज़ी चावलों के साथ, खाने पूरे बहुत अच्छे हैं, सब खाने बहुत अच्छे हैं। ये फ़िश अभी ली है यहाँ से, इसमें से चावलों के साथ, मज़ेदार, लाजवाब, बेमिसाल, आ हा हा। देख लें, मक्खी को टिकट, बिजनेस क्लास पास, ये वो कुछ नहीं चाहिए, उसने आना है तो आना है, आ गई है। दुबई में बिजनेस क्लास का फ़ायदा उठाने का सही फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर फूड पूरा ना हलाल होता है, ऐसे दूसरे ऑप्शन भी हैं, लेकिन चिकन मटन वगैरह ये वो ये सब हलाल होते हैं। ये पूरा मैं खुद से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, खुद से देख रहा हूँ, इसमें कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, बिल्कुल ये धोखा मत खाइएगा। बिरयानी मेरी फेवरेट है, और इनकी बिरयानी अच्छी भी बहुत बनी हुई, ऊपर जो काजू वगैरह और किशमिश डाली होती है, साथ में वॉलनट, ज़बरदस्त है केक, बहुत अच्छा। मुझे जहाँ तक लगता है दुनिया का सबसे बिजी बिजनेस लॉन्च दुबई वाला है, लेकिन फिर भी सुकून बहुत है। यहाँ पर बिजनेस लॉन्च बड़ा भी बहुत है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और बिजी भी बहुत होता है, और ये एमिरेट्स एयरलाइन का है बस। यहाँ पर मेंस टॉयलेट हैं, और ये किसी भी 5-स्टार होटल से कम नहीं। यहाँ पर देखें तरह तरह की शैम्पू, खुशबूदार। यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है, और चार्ज योर प्रेस सी देन कोड 1 2 3 4 है, खुल गया। अभी हम मोबाइल अपने चार्जिंग पे लगाते हैं, यही वाला, ये इसे 15 मिनट यहाँ पर छोड़ देते हैं, फिर लेंगे। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त रेस्ट भी हो गया, खा पी भी बड़ा ज़बरदस्त लिया, एयरपोर्ट भी घूम लिया, शॉपिंग भी हो गई, और अब जा रहे हैं जहाज़ की तरफ, जिद्दा। थैंक यू। ये जूस सबसे पहले लेके आए, डेट्स और ऐसा कुछ जूस है, अच्छा है, मुसी बीर। अच्छा, खूबसूरत बात ये है कि यहाँ से दुबई से जद्दा जो फ़्लाइट जाती है उसमें अल्कोहल नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो तरह की स्टोरेज है, यहाँ पे मैंने अपना जो लैपटॉप लिया है वो रख दिया, अपना दूसरा बैग रख दिया, इसमें कॉइन्स थी, अब गिर गए तो अलग बात है, और यहाँ पर भी है स्टोरेज, इसको भी क्लोज़ करें, इसको भी क्लोज़ करें। दो खिड़कियाँ हैं आपके पास, पाँव फैलाने की बहुत लंबी जगह है, जब कुर्सी लंबी कर देंगे फिर भी बहुत जगह होगी बैठने के लिए, और ये भी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का। और इस तरह के प्लगइन ये लोग इसलिए रखते हैं ताकि आप साथ में ना लेके चले जाएं, ये सिर्फ एरोप्लेन में ही इस्तेमाल हो सकते हैं।
यहाँ पर जब दुबई में आ रहा था उस टाइम पे इकोनॉमी क्लास पे आया था, उसका ये ब्लैंकेट अलग लेवल का था, आप उस व्लॉग में देख सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, डबल है, वो सिंगल वाला था। और सबसे पहले आपके लिए जूस लेके आते हैं, यहाँ पर गिलास और ये सब कुछ रखा हुआ है, वहाँ पर एक आईपैड रखा हुआ है, आईपैड नहीं पैड, ये स्क्रीन मैनेज करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। और आप लोगों ने पी आई है कि बिज़नेस क्लास वाली वीडियो भी देखी होगी मेरी, उसमें क्या ऑप्शंस थे और इसमें क्या ऑप्शंस है आप खुद देख सकते हैं। मेन्यू है खाने का, यहाँ पर फ्रूट्स हैं, सैंडविचेस हैं, स्वीट्स हैं, ये कुनाफा है यहाँ पर, ये रात का खाना है, लेकिन हम तो अभी दोपहर को जा रहे हैं तो हम लोगों का यहाँ पर होगा। देखा, यहाँ पर नॉन अल्कोहलिक है, क्योंकि ये जद्दा वाली फ्लाइट है, इसमें नॉन अल्कोहलिक स्पार्कलिंग ड्रिंक्स, जैसे ये भी है यहाँ पर अनार का है, जैसे वो सऊदी अरेबिया में बीरा मोसी मिलता है ना अंगूर वाला या अनार वाला, उस तरह का इसका है टेस्ट। अच्छा, इनकी खिड़की बटन के साथ है। और यहाँ पर ये कैसे खुलेगा भाई? अच्छा, और आना इसने बाहर। ये आपका डाइनिंग टेबल, अच्छा यहाँ पे खाली डिनर लिखा हुआ है लेकिन लंच नहीं लिखा हुआ, तो मतलब डिनर वही लंच ही समझे। दुजाज मशवी, हरीसा, इसके साथ लबन जबादी यूनानी और रुबियान बिजुबदा, नहीं ये तो मैंने नहीं खाना, महशी कोसा। मेन कोर्स में मैं ये वाला लेने लगा हूँ, कोसा अल बलामा, देखते हैं कैसा होगा। ये मास्क लेके आए हैं और ये सैनिटाइज़र लेके आए हैं हमारे लिए। यहाँ पर ताज़े फूल रखे हुए हैं इन्होंने। हॉट टॉवल लेके आए हैं, गरम तौलिया आपके हाथ साफ करने के लिए, कहते हैं हाथ साफ करके बैठो। इस जहाज की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जब टेक ऑफ करता है ना एकदम जल्दी से, मतलब 2 मिनट मैक्सिमम होंगे, 2 मिनट के अंदर ये फुल स्पीड पकड़ के टेक ऑफ भी कर लेते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बात है इस जहाज़ की। एयरबस A380 पे ही हूँ इस टाइम पे मैं। लास्ट टाइम जब हम लोग लैंड कर रहे थे यहाँ पर दुबई में, तो थोड़ा सा मौसम उस तरह का था, मौसम थोड़ा ख़राब था, उतरते हुए एकदम थोड़ा सा एकदम ऐसे मेरी जान निकाल दी थी। वो इस जहाज़ का बच्चा भी आ रहा है उस तरफ, फलाइनास सऊदी अरेबिया जा रहा है ये भी। ये लें जी बिस्मिल्लाह, हवा में इस टाइम पे हम लोग। यार मुझे लैंडिंग और टेक ऑफ पे बहुत डर लगता है। काफ़ी अच्छा व्यू देख रहे हैं वहाँ पर दुबई की स्काई लाइन का। ये इसलिए ऐसी जगह पे इन्होंने टेक ऑफ रनवे बनाया है ताकि जाते हुए आप मिस करें एक बार दुबई को, ये मंजर देख के, टावर्स वगैरह देख के। देख लें फिर, अब काफ़ी कुछ जान गए हैं हम लोग दुबई के बारे में। ये बीच में ग्रीक है। यार बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था बुर्ज खलीफा ऊपर से दिखाएं, बुर्ज खलीफा ऊपर से दिखाएं। ये लें भाई, देख लें ऊपर से बुर्ज खलीफा। अब स्क्रीन के साथ पंगे लेना शुरू करें। टर्न ऑन, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन टुडे फ्लाइट, यही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, पता चले कौन सी जगह पर जा रहे हैं, ये बार बार दिखाते रहेंगे, ये हमें इंफॉर्मेशन देता रहेगा, ये ऐसे चलता रहे। अब लेते हैं इस पैड के साथ पंगे, ये काय को नहीं निकलता यार, वो कैसे निकलेगा भाई। अच्छा इसको दबाना है, ये लें ये पैड आ गया हमारा यहाँ पे। अब ये क्या कहता है पता नहीं क्या कह रहा है, बहरहाल के साथ पंगे अभी शुरू, क्लोज हो जा। हाँ अब मुझे सीट की सेटिंग चाहिए, ये है सीट की सेटिंग, इसका बेकार है, मज़े का नहीं है। हमारा कैमरा पड़ा रहे यहाँ पे ताकि कोई टेंशन ना हो। चलें जी पैड के साथ पंगे लें अभी। कितनी तरह की तो आवाज़ें निकलती है ये सीट, इतनी सीट हो गई। अभी इस सीट को बेड बनाना है, उसके लिए कुछ करें, पहले तो ये बेड खोल दें, अभी बेड एक बार बनाऊँ इसको। अच्छा वापस वापस चलो भाई आगे,
नहीं काफ़ी है, काफ़ी है। इधर ठीक है, और क्या चीज़ है यहाँ पे जिसके साथ पंगे लिए जाएं? ये आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी, ये अच्छे वाली क्वालिटी है। वो जो इकोनॉमी क्लास में थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा अच्छे वाली क्वालिटी, काफ़ी कम्फर्टेबल। इस पैड में और कौन सी चीज़ है वो भी देख सकते हैं आप। अच्छा, क्या ये उस स्क्रीन के साथ कनेक्टेड है? व्यू टीवी कनेक्टेड है यार, रिमोट निकालने की ज़रूरत नहीं है, इंट्रा कनेक्टेड है, अच्छा है। चलें जी, इसके साथ भी पंगे काफ़ी हो गए, इसको रखें इधर। जो जो ऑर्डर किया अब आएगा तो आपको दिखाता हूँ, तब तक हम चलते हैं थोड़ा सा। इधर एक और जगह भी है, वहाँ पर भी पंगे ले सकते हैं, वो जगह दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर टॉयलेट है और टॉयलेट के अंदर भी एक खिड़की लगी हुई है इस जगह पे। अगर किसी को उल्टी आती है तो उसके लिए ये शापर वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर। ये बहुत अच्छे है यहाँ की टॉयलेट। यहाँ पर ये हैंड क्रीम और ये कंघी रखी हुई है इधर। ये जो एरोप्लेन है ना, कब से यहाँ पर अटका हुआ है, ये मुड़ने के चक्कर में है और मुड़ने नहीं दे रहे। जब से दुबई से निकला है ना, ये मोड़ के ऊपर अटका हुआ है, जितना आगे जा रहे हैं लेकिन इसने ज़िद की हुई है कि हमने मुड़ना है, लेकिन प्लेन इस तरफ जा रहा है, ये कहता है नहीं इधर मुड़ो भाई, हमने उधर जाना है, जद्दा जाना है, लेकिन इसने ज़िद की हुई है। देखो सामने नाक निकाल के खड़े, कहता है नहीं इस तरफ जाना है। अब आप लोगों को ना मैं एक बड़ी मज़े की जगह दिखाता हूँ, उस तरफ आ जाए मेरे साथ। यहाँ पर ये बार टाइप बना हुआ है, इधर बैठने की जगह है और यहाँ पर ऑरेंज, ये कुछ स्नैक्स मौजूद हैं यहाँ पे, जो आप जो दिल करे कर सकते हैं। यहाँ पर डेजर्ट वगैरह रखा हुआ है और इधर से आप जूस ले सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ी देर तक लेंगे जूस, फिलहाल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ओके इनफ, शो मी द नेम ऑफ जूस प्लीज। ओके थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जूस है, फ्लावर्स वाला खुशबूदार, पहली बार ऐसा जूस पी रहा हूँ। ये हमारी सीट, आगे वापस घूम के। इधर एक और चीज़ भी है, ये देखो कैसा ज़बरदस्त। अच्छा ये सीट का, हाय हाय, नीचे होती है सीट और इससे वापस। ओके, वो जो ऑप्शंस पैड में थे ना वो यहाँ पर भी, थैंक यू। डाइट पेप्सी विद आइस एंड लेमन मंगवाया। मेन चीज़ ये ड्राई फ्रूट्स गरम करके ले आए, ठंडे नहीं हैं। अब सिर्फ खाना रह गया है, खाना आप लोगों को दिखाना है कि खाना कैसा होना है यहाँ का। बाकी सारे पंगे ले लिए हैं, सब कुछ दिखा दिया आप लोगों को, एक एक चीज़, कोई चीज़ बची नहीं है यहाँ पर जो ना दिखाई हो। कुछ नहीं नज़र आ रहा मुझे जिस चीज़ के ऊपर मैंने आपको रिव्यू ना दिया। ये तो अभी बिछा के चले गए, मैंने सोचा आने वाला है। वैसे मेरा इस मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म होने वाली। ये हमारा गरम गरम खाना आ गया, काफ़ी मज़े का लग रहा है। यहाँ पर मैंने ये कोसा मंगवाया था, इसको कोसा कहते हैं, साथ में चावल हैं, इसके अंदर गोश्त होगा और ये रोटी है, ब्रेड है साथ में, और यहाँ पर हुम्मस है और इसका नाम मुझे नहीं आता ये क्या है, ये बटर होगा मुझे जहाँ तक। ये मीठे के तौर पर, डेजर्ट के तौर पर ये लिया, कुनाफा काफ़ी अच्छा लग रहा है और हर चीज़ बहुत ही मज़ेदार लग रही है। साथ में ये प्यारा सा गिलास, छोटा सा पानी वाला। एक एक करके हर चीज़ ट्राई करते हैं। ये आपको दिखाऊं मेन कोर्स, और ये देखें, ये इसके अंदर चावल, कीमा, चावल, ये सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं।
और ये ट्राई करें। वैसे ये एक अरब खाना है और मैंने कभी ट्राई नहीं किया वीडियोस में। गर्म है, काफ़ी काफ़ी गर्म है। गरम, मज़े का, जैसे अरबिक खाना होता है वही है और काफ़ी मज़े का है, अच्छा ऑथेंटिक टेस्ट। बाकी ये यहाँ पर हुम्मस है, ये हुम्मस भी आप इसके साथ लगा सकते हैं, साथ में ये कोसा महशी, ऑथेंटिक अरब फूड। और ये हुम्मस के साथ ट्राई करें, ये हमारी बाइट बन गई, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब। मेरे अंदर काफ़ी इसकी क्यूरियोसिटी पैदा हुई है, पहले इसको खोल के देख लूँ इसमें है क्या आखिर। बटर, अरे बटर है ये भैया, मक्खन, अच्छा मक्खन है। थोड़ा सा बटर भी लगा के खा लेता हूँ, सही फ्रीज हुआ हुआ है बटर, लेकिन बटर काफ़ी मज़ा देता है खाने के साथ मक्खन। बिरयानी बिरयानी खाई थी वहाँ पर, लेकिन मैंने उस हिसाब से खाया कि पेट में जगह रह जाए। और कुछ लोग कहते हैं कि आप इतना खा कैसे लेते हो। भाई मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ और बॉडी बिल्डर बहुत खाते हैं, ये अलग ही किस्म का कनाफा है। ये चीज़ क्रीम के साथ अच्छा है, लेकिन इसके बदले अगर कोई केक मंगवा तो वो ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, खुशबू है इसके अंदर, लेकिन इतना ज़्यादा वो बात नहीं है जो केक का मज़ा आता है। वैसे ये कितने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से दिए हैं नमक। अभी तीन लैंग्वेजेस में मीकात की अनाउंसमेंट हुई है, इंग्लिश, अरबिक और उर्दू में, और इतना दिल को सुकून मिल रहा है ना कि मैं जा रहा हूँ वापस सऊदी अरेबिया, बस क्या बताऊँ आपको, बहुत दिल को सुकून मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ोहर और असर मैंने जमा करके पढ़ ली थी, लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ पर इस क्लास में आपको किबला भी दिखाया जा रहा है। मुझे नहीं पता, शायद इकोनॉमी में नीचे दिखाते होंगे, ऑफकोर्स दिखाना चाहिए। चलें जी, खाना वाना खा लिए, फुल हो गए हैं, अभी सुस्ती हो रही है थोड़ा सा, सो जाते हैं। फ़र्स्ट क्लास सीट इस तरह सी होती है, फर्स्ट क्लास एरिया से गुजर के हम लोग जा रहे हैं। जद्दा में हम लोग पहुंच चुके हैं और मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म है, तो यहाँ पर व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें, नीचे कमेंट्स कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।